नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो आज हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है प्रॉब्लम कि हमें हमेशा डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना होता है, एक के नीचे एक के नीचे। हर दिन मेरे पास फाइल आती है डेटा सेल्स की, उसको कॉपी करते हैं और अपने डंप को अपडेट करते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह का चीज़ें बनाने की, हर बार मुझे फाइल को ओपन करना पड़ता है, डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है, कॉपी करना होता है और यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो हमें ऐसा बटन बनाना चाहते हैं कि हम बटन पे क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें। अब क्या है, कभी कभी फाइल डाउनलोड में होती है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है, तो उस फोल्डर लोकेशन पर हमेशा जाना पड़ता है। तो जैसे ही आप यहाँ ओपन करते हैं, तो ओपन करते ही आपके सामने ब्राउज का बटन बनकर आ जाता है। आप फाइल सेलेक्ट करते हैं, आपका ओपन हो जाता है। तो मुझे इसी तरह का एक ब्राउज बटन क्रिएट करना है, जहां पर मैं फाइल को सिलेक्ट करूं, ओपन करूं, ऑटोमेटिकली मेरा फाइल ओपन होके उसका डेटा कॉपी होके और इसमें एक के नीचे पेस्ट हो जाए। बस मैं वन बाय वन करना चाहता हूं फाइल सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में, एक मॉड्यूल को इंसर्ट करते हैं सब, और यहां पे लिखते हैं कॉपी डेटा। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं बटन पे क्लिक करके हमें लोकेशन, फोल्डर लोकेशन चाहिए, फाइल का पाथ चाहिए। तो डिम आर यहां पे हम लिख देते हैं एफ एन फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग। फाइल का पाथ जो है एज ए स्ट्रिंग होगा, इसलिए। उसके बाद मैं करता हूं यहां पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी। प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी में होता है आपका आईएसओ करके आता है, आईएसओ नहीं, एक मिनट देखिए, इसमें एक प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी आता है सिस्टम बॉक्स रिलेशन लैंग्वेज होते में प्रेस्ट। तो यहां होगा गेट ओपन फाइल में मेथड होगा, यहां पे आता है फाइल फिल्टर। तो इन्वर्टर को हम यहां देता हूं, मैं देता हूं यहां पे एक्सेल फाइल, फिर मैं ब्रैकेट में देता हूं स्टार डॉट एक्सएलएस स्टार, क्योंकि फाइल बहुत सारे भी हो सकते हैं इसलिए, और फिर कॉमा यहां देता हूं डॉट स्टार एक्सएलएस वापस स्टार, और यहां पे फिर फाइल फिल्टर इंडेक्स नंबर वन टाइटल यहां लिखता हूं सेलेक्ट डेटा फाइल, और फिर यहां पे बटन बॉक्स वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शनल है, इसे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पाथ देना पड़ेगा, यहाँ मुझे यहाँ fn fn equal to application path हो गया हमारा। अब देखिए हम मैसेज बॉक्स में देख सकते हैं कि क्या fn पे क्या स्टोर हो रहा है। मैसेज बॉक्स एक बार इसको रन करके देखता हूँ, आ गया यहाँ पे एक्सेल फाइल दिख रहा है और यहाँ पे आपको लिस्टेड भी आपका एक्सेल फाइल हो रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे m डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, जो मैं जिसको कॉपी करना है मुझे, तो पूरा का पूरा पाथ विद फाइल नेम यहाँ पे आपका ओपन हो रहा है। अब उससे पहले मुझे यहाँ पे एक करना होगा कि dim w as a sheet, और यहाँ हम करेंगे कि w equal to active work book डॉट नेम, और एक और यहां पे कॉमा कर देता हूं, एक और डी डब्ल्यू कर देता हूं, दो चाहिए होगा। उसके बाद ये मैसेज बॉक्स यहां से हटा देता हूं मैं,
इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन, सॉरी यहाँ पे वर्क बुक्स, क्योंकि डेटा कॉपी करने के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा किसको, तो FN को ओपन करना है। उसके बाद शीट्स डेटा या फिर सीट वर्ड भी आप कर सकते हो, लेकिन डेटा शीट मुझे पता है इसलिए मैं जाता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, करेंट रीजन डॉट कॉपी, और उसके बाद मैं यहां पे करना चाहता हूं वर्क बुक्स, यहां पे आप करना चाहता हूं डब्लू वेट, फिर सीट्स, और सीट्स में जाते हैं डेटा, यानी यहाँ भी डेटा सीट है डॉट सेलेक्ट रेंज A1 नहीं, ए पेंसिल जा, क्योंकि एक के नीचे करना है ना हमें डॉट एंड एक्सेलेंस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल हमने बोल दिया पेस्ट एज ए वैल्यूज, हो गया। फिर यहां पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे एक चीज और करना है, वर्कबुक ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ डी डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्क, क्योंकि फाइल में यहाँ पे तो पूरा एफएल में पूरा पाथ है ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेके एक्टिव वर्कबुक का मैं पाथ नेम लेता हूँ ताकि मैं उसको क्लोज कर सकूँ, जैसे मैं यहाँ एक्टिवेट किया ऐसे क्लोज कर सकूँ। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, वर्कबुक डॉट सेव, और फिर यहां पे मैं करता हूं वर्क बुक्स DW डॉट क्लोज, ये हमारा हो गया। और उसके बाद मैं यहां पे लिखना चाहता हूं एक्टिव डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, क्योंकि हेडिंग भी कॉपी हुआ है तो इस हेडिंग को डिलीट करना होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि डेटा कॉपी पेस्ट हो गया है, लेकिन उससे पहले हमारी इस एक्सेल फोल्डर को मुझे सेव करना होगा। मैं नहीं, मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ ब्राउज, और मैं आता हूँ ई फोल्डर्स VBA 2 रिपोर्ट ऑटोमेशन, और यहाँ होगा 16 नंबर और यहाँ पे कॉपी डेटा सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये DIR फंक्शन खुल गया, मुझे पाथ देना होगा कि किस पाथ में डेटा हमारा जिसको कॉपी करना है, तो यहाँ पे गए हम न्यू फोल्डर में और M डेटा को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया।
आपके सामने डेटा कॉपी किया हुआ है। तो कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ और यहां पे डेटा हमारा कॉपी हो गया। अब देखिए डेटा जो कॉपी हुआ है कहां तक है, A104 तक है। अब मैं दूसरी फाइल को सिलेक्ट करता हूं और फिर इसको कॉपी करता हूं। तो यहां पे दूसरी फाइल की लोकेशन पे हम जाते हैं और एम डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन। देखिए 104 से स्टार्ट हुआ और नीचे तक कॉपी कर दिया। तो इस तरह के कोड हमने जनरेट किया। एक बार कोड को समझ लीजिए, हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिफाइन किए स्ट्रिंग का, फिर मैंने जो सीट एक्टिवेट है उसका नाम ले लिया क्योंकि नाम बहुत बड़ा था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। फिर हमने यहाँ पे ये जो दिया डायरेक्टिव फंक्शन दिया कि इसमें हमने एक्सेल फाइल को ही यहाँ फिल्टर कर दिया। अगर एक्सेल फाइल नहीं और फाइल जैसे नोट पैड वगैरह देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक्सेल के जगह पे स्टार डॉट स्टार करना पड़ेगा और यहाँ पे टाइटल दिया सिलेक्ट फाइल। उसके बाद हम ये जो पूरी की पूरी फाइल जो हम सिलेक्ट करेंगे उसकी पाथ यहाँ fn पे आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे करेंगे कि वर्कबुक ओपन फाइल नेम और यहाँ पे हमने कर दिया dw कि भाई जो ओपन हुआ है फाइल नेम उसका नाम क्या, क्योंकि इस पे तो पूरा का पूरा पाथ आ गया है। फिर हम डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर वापस हमारे डब्ल्यू सीट जो हमारे सीट पे डेटा पेश करना है उस पे आएंगे, उसके डेटा सीट पे जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाके नीचे लास्ट सेल पे आके पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। फिर यहाँ पे हम एस्केप मार के कट कॉपी मोड को हटा देंगे और ये हमारा आ गया। वर्कबुक को सेव कर देना है और जो वर्कबुक हमने यहाँ ओपन किया है सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। और क्या है कि इसने पूरा कंट्रोल ए किया है तो हेडिंग भी लेके आएगा और हेडिंग ही हमारा एक्टिव होता है तो उसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो ये जो थी हमारी VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में डेटा कॉपी करने वाला प्रोजेक्ट हमने आपको आज बताया। तो इसी तरह से और भी चीजें सीखने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियोज यूट्यूब पे देखते रहें। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे आ गए, वहां देखिए, वहां पे सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।